नौकरी पर है आपका हक, चलें लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ, लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली के महापंचायत गंगा में इस वक्त मैं हूँ, जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है कि यहाँ पर दोपहर के बाद या फिर शाम को स्टाफ नहीं मिलता है या फिर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है। तो इसको लेकर हम रियलिटी चेक करेंगे और बताएंगे आखिर करोड़ों रुपये की लागत से बनाई गई महापंचायत गंगा में जो PHC है, जहाँ पर आयुष विभाग भी है हरियाणा का, और जो प्राइमरी हेल्थ जो सेंटर सरकार की तरफ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव गंगा में बनाया गया है, वहां पर हम आपको ठीक इस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि वक्त शाम का करीब 6 बजे का है। हम इसी हॉस्पिटल में हैं जहां पर एक वीडियो यहीं से वो वायरल हुआ था, जिसमें जो मरीज थे वो यहाँ पर आए थे और इसी दरवाजे को लगातार वो नॉकिंग कर रहे थे, लेकिन कोई भी अंदर से नहीं आया। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, ये गेट पूर्ण तरीके से खुला है और यहाँ पर एक बेल भी लगी है, अगर कोई भी आता तो आगे से आप ध्यान रखें, क्योंकि विकट परिस्थितियाँ कई बार ऐसी बनती हैं, हम आपको बताएंगे वो कैसे। तो ये बेल है, ये बेल आप बजाते हैं तो ये बेल पूर्ण तरीके से अंदर अलर्ट करती है अगर कोई भी होगा तो। अब आपको मैं पूरा हॉस्पिटल दिखाता हूँ। प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र व रिहायशी परिसर गंगा का है, उसका उद्घाटन माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा और स्वास्थ्य गृह मंत्री अनिल विज द्वारा व विद्युत जेल मंत्री रणजीत सिंह की अध्यक्षता में 8 मार्च 2020 को इसका संपन्न हुआ था, उन्हीं के करकमलों से जो इसका उद्घाटन है। उसके बाद हम आपको ये पूरी बिल्डिंग दिखाते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हाईटेक तरीके से इस हॉस्पिटल को बनाया गया है, और जिसका नीम जो पत्थर है वो 16 फरवरी 2014 को जो शिलान्यास इसका वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा, और उस वक्त माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो राव नरेंद्र सिंह थे और उस वक्त सांसद अशोक तंवर थे, उस वक्त डॉक्टर केवी सिंह मीडिया के OSD थे मुख्यमंत्री के, और 16 फरवरी 2014 को इस हॉस्पिटल को विधिवत रूप से जो इसका शिलान्यास है वो किया गया था, लेकिन इसका जो कार्य है वो 8 मार्च 2020 को हुआ है। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ का स्टाफ पूरा ही नहीं किया गया है। इस वक्त की सिचुएशन आपको दिखाते हैं, ये फर्मा यहाँ पर फार्मासिस्ट बैठते हैं, इनकी दवाइयाँ यहाँ से आपको मिलती है, लेकिन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि स्टाफ में एक नर्स यहाँ पर जो है महिला जो चिकित्सा है वो यहाँ पर मौजूद है, वो खुद यहाँ पर बैठे हैं, अगर कोई भी यहाँ पर आता है तो उनको वो परामर्श दे सकते हैं या फिर सिचुएशन के हिसाब से उनको रेफर या फिर उनका उपचार है वो किया जा सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शाम का वक्त है, इस हॉस्पिटल में दूर तलक तक कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ पर कोई गार्ड नहीं है, दिन के वक्त में कोई स्टाफ का दूसरे सदस्य नहीं है, सिर्फ एक महिला लेडीज के सहारे इतना बड़ा हॉस्पिटल छोड़ दिया गया है। सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य विभाग में गृह मंत्री जो हमारे इस वक्त अनिल विज हैं, वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ पूरा होगा, साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, मगर आप दिल से सोच के देखिए, जब इतने बड़े सुनसान बिल्डिंग के अंदर एक महिला डॉक्टर होगी तो निश्चित तौर पर वो दरवाज़ा जरूर बंद करेगी, क्योंकि उसे भी अपनी हिफाजत खुद करनी है। अगर यहाँ पर गार्ड आएगा तो वो करीब 7 बजे के बाद आएगा, उससे पहले और सुबह पूरा दिन तक यहाँ पर कोई गार्ड नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर जो आयुष केंद्र में एक फार्मासिस्ट है, दूसरे एक डॉक्टर हैं और तीसरे एक लेडीज स्टाफ नर्स है। फार्मासिस्ट की यहाँ पर पोस्ट खाली है, यानी कि ये भी कड़ी मशक्कत डॉक्टर को करनी पड़ती है, दवाइयाँ खुद लिखनी पड़ती है, खुद ही आकर उनको देनी पड़ती है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, आखिर सरकार को जो गंगा में इतने बड़े करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए बनाया गया था, वहां पर कम से कम स्टाफ जरूर पूरा होना चाहिए। ये सवाल हम सिरसा के CMO साहब से भी पूछते हैं कि क्या एक बेटी जो एक लेडीज यहाँ पर जिसकी ड्यूटी है उसकी हिफाजत का जिम्मा भी लेना चाहिए, यहाँ पर 24 घंटे जो गार्ड की सुविधा होनी चाहिए, फार्मासिस्ट होना चाहिए, पूरा यहाँ पे स्टाफ होना चाहिए, ताकि हर एक उस मरीज को पूरा इलाज मिल सके। और अब
आप कल्पना कीजिए, रात का वक्त है, जिस तरीके से हमें ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे में आकर जो मैडम ने हमें बातें बताई हैं वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि अपनी ओर से उन्होंने कोई कभी कमी नहीं छोड़ी है। वो अपने घर को छोड़कर 24 नहीं 48 घंटे यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, लेकिन डर इस बात का होता है, इसीलिए इस दरवाजे को बंद किया जाता है कि एक अकेली महिला लेडीज अगर अंदर बैठी है तो बाहर से कोई भी ऐसा असामाजिक कोई ऐसा शरारती तत्व आ सकता है जिसकी जिम्मेवारी कोई भी नहीं लेगा। तो ऐसे में सवाल उठता है, स्वास्थ्य सेवाएं देने का सरकार जब इतना बड़ा वायदा करती है, धरातल पर जब देखते हैं तो सब कुछ गौन हो जाता है। यही कहानी हम आपको हालात दिखा रहे हैं पीएचसी गंगा के, जहां पर इसी ईयर में इस पीएचसी को बनाया गया था लोगों की सुविधाओं के लिए, लेकिन यहां पर डॉक्टर तक पूरे नहीं किए गए। और तो और रात के वक्त में सरकार कहती कि 24 घंटे ड्यूटी दी यहां पर होगी स्टाफ की तरफ से अगर किसी को भी कोई अनहोनी होती है, लेकिन सवाल उठता है कि महिला लेडीज के सहारे हॉस्पिटल कैसे चलता होगा। तमाम बड़े सवाल हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें और इसके लिए हम भी आवाज़ उठाते हैं कि यहाँ का स्टाफ पूरा होना चाहिए, रात्रि के वक्त में गार्ड की सुविधा होनी चाहिए और यहाँ पर लेडीज स्टाफ की भी पूरी जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। महापंचायत गंगा से कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।